अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मेरी हिल्स एंड टूरिज़म और मैं हूं साजिद अमीन कुरैशी। आज है जी 9 अक्टूबर 2023 और इस वक्त मौजूद हूं होटल ईस्ट व्यू में। और बारिश जो है जी आज, हालांकि जो है वेदर तो काफ़ी दिन बता रहा था कि बड़ा खुश्क रहेगा मौसम, जो है वो धूप रहेगी और मौसम में जो है वो गर्मी का एहसास होगा, लेकिन ये है जी कि मरी तो मरी है, मरी में तो कोई गर्मी कोई सर्दी वो सीन ही नहीं होता, आपको पता है। मरी जब चाहे सर्दी शुरू, जब चाहे गर्मी शुरू। तो बहरहाल फिर भी माशाल्लाह ये है जी कि आज जो है वो बारिश अभी फ़िलहाल स्टार्ट हुई है, बड़ी हल्की हल्की सी शुरू है जी, जिसे कहा जाता है धूप भी है और बारिश भी, दोनों मिक्सचर सा चल रहा है। ये देखें ना, रोशनी भी है और एक अच्छा, वरना तो मरी की तो ऐसे होता है कि जब बारिश हो तो दिन में अंधेरा बना देती है जी, ये बिल्कुल एक छांव छांव और ये चीज़ हो जाती है जी, वो छैया छैया वाला काम शुरू हो जाता है जी। तो ये बात है सारी, बाकी ये देख लें आप सारा आज का माहौल। अब बस मरी में यही सीन है जी सारे कि रश ख़त्म, वीकेंड गया और उसके बाद फिर मज़े करें जी। बस यही है जी सारा, सयाह जो हैं उनका भी यही टाइम है, क्योंकि ये टाइम होता है मरी में आने का और इस टाइम पे जो है वो जितने भी लोग हैं वो बड़े रीज़नेबल रेट्स पे रह के जा सकते हैं ना मरी में, तो इसलिए फिर बाहर ज़रा वो मैं नज़दीक इसलिए नहीं जा रहा जी, थोड़ा सा टेरेस पे हूँ और क्योंकि वो बारिश जो है वो उसके छींटे मीटे आ रही हैं अभी, क्योंकि इतनी स्पीड में तो नहीं है लेकिन छींटों की वजह से फिर मैं थोड़ा सा पीछे ही हूँ, तो इसलिए आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या ग्रिल ही दिखाई दे रही है। और चले ग्रिल के साथ साथ आपको ये दरख्त भी दिखा रहा हूँ जी, ये देखे ना क्या एक ग्रीनी ग्रीनी सा माहौल आपको दिखा देते हैं कि चलें गर्म इलाकों में जो हैं, यानी मरी से दूर रावलपिंडी और इस एरिया में आप देखें ना, फिर रावलपिंडी से आगे जो अगला सिलसिला शुरू हो जाता है यानी लाहौर कराची ये एरिया जितने भी हैं सारे गर्म शुरू हो जाते हैं ना जी, तो वो उन लोगों के लिए तो ये माहौल बड़ा मज़ा करता है जी, ग्रीन ग्रीन और ठंडक का एहसास होता है। तो चलें हम दुआ तो यही कर सकते हैं वो उनको ठंडक का एहसास अल्लाह पाक इसी से ही उनको जो है ना वो उनके सुकून आए जी, उनको राहत हो। और मरी में आने वालों के लिए तो ये है जी कि मरी मरी है, और जिसने जो सयाह हैं जिनको मरी आने का एक क्रेज़ होता है वो ज़रूर आ सकते हैं इन दिनों। और ज़ोहर का जो है वो टाइम है जी इस वक्त, अज़ान हो रही है, दूर से आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा खामोश होता हूँ।
اللهم رب هذه الدعوة تدعو الصلاة القائمة محمد نبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف الميعاد. اللہ پاک سب لوگوں کو جی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اذان میں عموماً خاموش ہی رہنا چاہیے جی, ہم لوگ پھر بھی یہ ہوتے ہیں انہیں پنگا بازی میں گپ شپ میں, تو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک, بہرحال پھر بھی جی ایسے ہے کہ بارش شروع ہوئی ہوئی ہے, بلکہ وہ بادل گرج بھی رہے ہیں, ذرا یہ ہے کہ دھیمے دھیمے ہیں. اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم تو چمک بجلی کی ہوتی نہیں, تو بس ٹکراؤ جو ہوتا ہے بادلوں کا وہی ہوتا ہے. تو رات کا ٹائم تو ہوتا ہے تو آپ کو یہ بارش کے ساتھ ساتھ یہ سین بھی چیک کروا دیتا کہ اوپر, میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ بجلی کی جو ہے گرج چمک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارش بھی برستی ہے, اور بارش شروع ہو چکی ہے. اگر شاید آپ کو آواز جا رہی ہو تو مری میں, کیونکہ یہ چھت پہ جو ہے وہ ایک بارش جب قطرے گرتے ہیں تو ایک اپنی ساؤنڈ جو ہے وہ ذرا عجیب سا ایک وہ ساؤنڈ چلتی ہے جی, میوزیکل ساؤنڈ سی ہوتی ہے ایک. تو بہرحال بارش کا ایک اپنا ہی مزہ ہے جی, تو اس پہ یہ ہے جی کہ جن لوگوں کو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور ملتے ہیں آپ سے پھر ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, السلام علیکم.